गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो होप करता हूँ आप सब अच्छे हैं, फिट है और कोरोना से बचे हुए हैं। और अभी आपको जैसे कि पता है, मैं हूँ जयपुर राजस्थान में, जो कि है पिंक सिटी। और आज हम आए हैं यहाँ के मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल वाइल्ड लाइफ पार्क, मीन्स बहुत ही अच्छा गार्डन है स्मृति वन करके। तो अब यहाँ आए हैं तो मैंने कहा फ्रेंड्स को तो बता नहीं है सबको स्मृति वन कैसा है, हम खुद भी देखेंगे आपके साथ ही देखेंगे, तो चलते हैं। ये देखिए, वेलकम टू स्मृति वन। हाँ अल्लाह। और ये यहाँ से हम टिकट्स लेंगे, तो गाइज हमने अभी टिकट्स ले ली हैं यहाँ से और अब हम जाएंगे स्मृति वन के अंदर। और अभी अभी हमें पता पड़ा है कि ये पूरा 108 एकड़स के अंदर फैला हुआ है, तो बहुत ही बड़ा वन है ये पूरा, बहुत ही बड़ा पार्क है। तो अब देखते हैं इसको कितना घूमेंगे हम, क्योंकि हमें टाइम लिमिट भी है, थोड़ा जल्दी जाना भी है, देखते हैं कैसा क्या होता है। ले लिए टिकट्स मेरे पास ठीक है। हाँ एक आपने ये देखिए, सूचना स्मृति वन क्षेत्र में बगैर का विचरण है। ओ माय गॉड। तो गाइस कुछ भी हो सकता है, पता पड़ा हमारे सामने ही टाइगर टाइग्रेस कुछ भी आ गया तो हम क्या करेंगे, वो हम साथ में देखेंगे जो भी होगा। तो अभी हम जा रहे हैं स्मृति वन के अंदर, एंटर कर चुके हैं, अब देखते हैं हमें क्या नया दिखता है कि हम आपको भी दिखाए वो चीज़। बहुत ही बड़ा पार्क है, अब देखते हैं कुछ हमें अच्छा दिखेगा तो हम दिखाएंगे। वैसे हम गार्डन के अंदर काफ़ी अंदर एंटर हो चुके हैं और अब देखते हैं, अभी तक तो हमें सिर्फ ग्रीनरी दिख रहा है चारों तरफ। और यहाँ पे हमें बोर्ड्स दिख गए हैं, म्यूज़ियम है इस साइड में, और ये धन वन तारी वन है इस साइड में, है ना। ये देखिए गाइस, ये गाइस राजस्थान सरकार वन विभाग की सूचना, अगर आपको इंटरेस्ट पूरा है तो इसको पढ़िएगा। और ये है यहाँ का पूरा लोकेशन इन अ मैप, ये देखिए यहाँ पे पूरा लोकेशन है कहाँ पे क्या है, तो आप जहाँ जाना चाहते हैं वहीं जाइए और सेफ ध्यान ज़रूर रखिए सब अपना। अब जो भी है देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हाँ अब चलने का रास्ता दिख रहा है तो चलते हैं। ये गाइस ये देखिए, वेरीगेटेड अवेक अगेव, या सॉरी अगेव अमेरिकानो, पता नहीं है किस टाइप के प्लांट है। क्या दिखा वहां पे? अच्छा ओ वाओ, मोर दिखा मोर। तो गाइस हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो हमें बर्ड्स के फोटो दिखे और मोर साक्षात हमें यहाँ दिखे हैं, तो अब बहुत ही मजा आएगा। अब इसको ज़्यादा दूर मत जाने दो, उसको चलने दो, वो उधर चला जाएगा पक्का नीचे, मुझे पता था। अब तुम्हें बात नहीं करना था ना, वो यहीं बैठा रहता। तो गाइस अभी हमने मोर देखा था जो कि बहुत टाइम बाद देखा था, अब देखते हैं आगे और क्या दिखता है हमें। ये देखिए मोर, और ये बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ पेड़ से झुका हुआ और ऐसा लग रहा है किसी बहुत ही वाइल्ड जंगल में जा रहे हैं। वो देखिए मोर ही मोर। अरे यार मुझे तो बगेरा दिखा गाइस। इस एरिया में जहाँ है यहाँ पे मोर बहुत है।
और यहाँ पे साफ साफ लिखा है फूल पत्ती तोड़ना मना है, तो हम नहीं तोड़ेंगे। ये देखिए गाइस, ऐसे लग रहा है चारों तरफ से नेचर ने हमें घेर लिया है। और ये देखिए नीलकंठ वैले, अब सबके फोटोज दिख रहे हैं बट रियलिटी में हमें नहीं दिख रहा है। नहीं, फोटोजेशन चालू हो गया। तो गाइज अभी हम अंदर ही चल रहे हैं स्मृति वन के, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह फोटोज क्लिक करने के लिए हमें यहाँ दिखी है, मोड़ दिखे हमें यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ फोटो क्लिक किए हैं, ये देखिए कितना ऑसम है, चारों तरफ से पेड़ आ रहे हैं और अंदर मीन्स बहुत ही बढ़िया, बहुत काफ़ी अच्छा व्यू, काफ़ी अच्छा। ये देखिए हमारे सिस्टर्स, हम सब आए हैं और चल रहे हैं वो, और मुझे आपको बताना है पूरा एक्सपीरियंस हमारा, इसलिए हमारे हाथ में कैमरा है तो हमें थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं कि वो अलग हो जाए और मैं अलग हो जाऊँ। तो फ्रेंड्स आगे कुछ दिखता है तो ज़रूर आपको हम बताएंगे। ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल जंगल ही जंगल है। तो गाइज ये है कुसुम पेड़, ये देखिए, और ये फिर से सूचना आई है, ये टाइमिंग्स, वॉकिंग रूट। गाइस सबसे बड़ी चीज है ये देखिए, कॉशन लेपर्ड मूवमेंट इनसाइड स्मृति वन। तो अब देखते हैं हमारा क्या होता है। गाइस ये देखिए, ये है मोरनी, मोरनी। अब वाइल्ड लाइफ में मुझे इतना नॉलेज नहीं है बट हाँ ये सही बात है। हर्ष को, हर्ष ने बोला है ये है मोरनी, तो ये देखिए आप, वो बहुत ही बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए गाइस, सब अलग अलग एंजॉय करते हुए। गाइस काफ़ी बड़ा पार्क है, चारों तरफ बिल्कुल चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। तो गाइस हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और अभी तक तो हमें सिर्फ मोर ही दिखे हैं। सो अब देखते हैं मोर के अलावा भी अगर हमें कुछ दिखता है, कोई अच्छा वाइल्ड लाइफ एनिमल, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल व्यू है यहाँ पे हर पॉइंट पे, और हर जगह सूचना लगी हुई है कि यहाँ पे लेपर्ड मूवमेंट है। तो हम बिल्कुल सावधानी से चल रहे हैं और बातचीत करते हुए जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा मूवमेंट देख के अपना मूवमेंट को दूर कर रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। नहीं मंदिर तो होना ही चाहिए हर जगह। और ये देखिए गाइस, हनुमान जी आज मंगल है। मैं कहीं भी जाऊं ये मेरे से पहले वहाँ होते ही है, तो हनुमान जी तो मस्त है हर जगह, और ये होते हैं तो फिर किससे डरने की बात है। काफी अच्छा मंदिर है। मंदिर ही होगा ऐसा होगा, ऐसे देखिए। जहाँ भी हम भगवान देखते तो हम बिल्कुल, हमारा मन एकदम फ्रेश हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है हमें।
और जहाँ पे भगवान का वास हो वहाँ पे किससे डरने की जरूरत है अपन को। हाँ, और एक और मैं बता दूं बात फ्रेंड्स, इनको लगा था इनको प्रसाद मिलेगा बट प्रसाद तो नहीं मिला इंतजार इन्होंने किया पूरा कि आएगा प्रसाद आएगा, बट प्रसाद ने धोखा दे दिया तो गाइस हम आगे की ओर बढ़ते हुए और हम बिल्कुल जहाँ पे लिखा हुआ है वॉक वे भ्रमण पथ, बिल्कुल वही उसी को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हम इधर उधर चले जाए और फिर पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि नई प्लेस है तो नई प्लेस पे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं, बट है बहुत ही अच्छी प्लेस है, चारों तरफ ग्रीनरी, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी कुआं देखा, तो कुआं देख के भी इतने खुश हुए जैसे चीता देख लिया हम सब, लेकिन कुएं के अंदर जो होता है हमें वही मिला, सिर्फ पानी। और ये देखिए गाइस, ये पैरट जैसे हम मिट्टू कहते हैं और यहाँ पे इसको पैराकिट लिखा हुआ है, अब देखते हैं अगर ये भी हमें रियलिटी में दिखता है तो आपको बताएंगे। और ये देखिए गाइस व्यू, यहाँ पे आपको एक बार आके फोटोग्राफी, नेचुरल फोटोग्राफी अगर कोई है जिसको बहुत ही पसंद है तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। गाइस पैरट तो नहीं दिखा लेकिन कोयल दिखी हमें, और ये देखिए चारों तरफ ग्रीनरी, अलग अलग टाइप्स के प्लांट, अलग अलग टाइप्स के ट्री, पेड़ पौधे सब दिखेंगे, हमें नाम पता नहीं कौन सा क्या है बट जो भी है बहुत अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे बोर्ड लग रहा है रेड वेंटेड बुलबुल का, अगर हमें दिखी तो बताएंगे आपको। ये देखिए गाइस, लग नहीं रहा है हम इंडिया में फॉरेन जैसे भी कुछ नहीं लग रहा, मोर भी दिख रही है अभी, पर मोर भी शॉर्टेज, मोर भी शॉर्टेज है। अब उसका भी कोई साइंटिफिक रीजन होगा वो हमें नहीं पता है, बट मोरनियां बहुत हैं। मोर परेशान होकर चले गए ये पंचायत मोर ने भी सुन लिया है। हां सही बात है, मोर रेस्ट कर रहे होंगे, नहीं नहीं। और गाइस काफी घने जंगल की ओर जा रहे हैं हम, हमें आवाज आ रही है मंकीज की। ऊपर देखो आपके बहुत सारे बैठे हैं, और गाइस उधर काफी मंकीज है। हाँ और गाइस ये किस टाइप की बर्ड है, होपोई। हमें फोटो सबके दिख रहे हैं बट रियल में अभी तक सिर्फ मोर ही दिखा है, सिर्फ मोर ही दिखा है हमें, मोर मोरनिया और कोयल जो हमें हमारे घर पर भी दिखा दिया सही बात है। तो गाइस हमें मोर दिख चुके हैं और जैसे ही हम आए तो वो दूर हो गए हमसे, हम कोशिश कर रहे हैं अगर वो पास आए तो हम थोड़ा सा आपको अच्छा व्यू दे, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा इसको, ये देखिए। उन्होंने जैसे ही हमारी हलचल सुनी वो दूर हो गए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बहुत अंदर तक, बट चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, देखते हैं आगे और क्या दिखता है। तो इनको खिंचाना है तो मुझे भी खिंचाना है, और काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि हमारे भाई के पास आईफोन, तो आप जानते हैं
फोटोज का जो रेजोल्यूशन होगा वो कितना अच्छा होगा, और मेरा से फोटो सेशन भी जरूर होगा यहाँ पे। ये देखिए गाइस, हम धीरे धीरे थक रहे हैं और वन बढ़ता ही जा रहा है, स्लोप हो रहा है, स्लोप बढ़ता ही जा रहा है। सही बात है। ये देखिए, ये इंक्लाइन बढ़ गया है। गाइस, इससे अच्छा एडवेंचरस ट्रिप जो होता है वो नहीं हो सकता। ट्रैकिंग, बिल्कुल सही, ट्रैकिंग, इससे अच्छा ट्रैक आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इतना बड़ा और ऐसे भी। थक गए यार। गाइस, अब धीरे धीरे सबको थकान हो रही है। जो सुबह नेचर को महत्व देते हैं, महत्व देते हैं। सही बात है। वन तो चले ही जा रहा है, और हम भी वन के साथ साथ चले ही जा रहे हैं। बस ये जरूर है, फोटो सेशन बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे। हाँ, ऐसे नेचुरल एकदम, वो जंगल सफारी टाइप ही है, बस एनिमल्स नहीं है, जंगल पूरा है। बट पैक होना चाहिए अगर हो भी तो। गाइस, ऐसी जगह हमें चाहिए हमारी हॉरर मूवी के लिए। अगर नेक्स्ट बनती है तो ऐसी जगह हम आएंगे, काफी मजा आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि बहुत ही चारों तरफ जंगल, और बिल्कुल यहाँ पे अगर कोई मूवी बनती है वो सुपर रेटी होगी। अरावली फ्लोरा, अरावली वन चालू होने वाला है। गाइस, वन बढ़ता ही जा रहा है और उसके साथ साथ हमारी थकान भी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कुछ ऐसा अलग सा दिख जाए तो फिर थोड़ा और मज़ा है। और बाकी चारों तरफ बहुत ही बढ़िया, नेचर लवर के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। आप आके यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, स्मृति वन जयपुर, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्लेस है। मीन्स आपको एक अलग सी फ्रेशनेस मिलती है यहाँ पे, चारों तरफ इतने अलग अलग टाइप्स के ट्रीज, प्लांट्स, जो कि हमें भी नहीं पता उनका क्या नाम है, बट देखने में इतना अच्छा लग रहा है। और अभी हम चलते ही जा रहे हैं आपके साथ साथ। गाइस, ये इन्होंने बिल्डिंग देख ली तो इनको लग गया एग्जिट आ गया। अब बिल्डिंग तो इतनी आसमान तक होगी तो दिखेगी ना यार। ऐसे हम चले जा रहे हैं, और मैंने आज एक गलती कर दी, मैं स्लीपर्स में आ गया, शूज़ भूल गया ज़्यादा एक्साइटमेंट में, और अभी चलना पड़ रहा है जैसे भी है वैसे। बट एक बार ज़रूर है, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आ गए हैं, जो नेचर फोटोग्राफी हम कहते हैं, नेचर फ़ोटो चाहिए हमें, वो हमें मिले। और ये देखिए आगे बहुत ही अच्छे फ्लावर्स है, यहाँ पे भी हम सोचेंगे फोटो सेशन होना चाहिए। यहाँ पे भी फोटो है ना। गाइस, हमने फोटो लिए, काफी अच्छा लगा। और ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल एकदम डेजर्ट वाला टच है, जैसलमेर वाला, बिल्कुल ऐसे लग रहा हम आ गए हैं वो डेजर्ट में, थार डेजर्ट में आ गए ऐसा लग रहा है। ये देखिए गाइस, ये थोड़ा सा अलग टच है। ये देखिए, हमें बोलते हैं सोलो की जरूरत नहीं, बट खिंचा रहे हैं। ये होती है गर्ल्स। ये देखिए गाइस, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लग रहा है, कि एकदम से बीच में। आगे आगे देखो, आइए आइए, पैर डालिए रखिए और घुस जाइए अंदर, आपको थार डेजर्ट की पूरी फीलिंग देंगे हम यहाँ पे।
हार्ट टच। तो गाइस ये देखिए चलेंगे कैसे यार, अब इस पे ऐसे पैर रख रहे हम, तो लग रहा है कि हाँ जयपुर से जैसलमेर। गाइस देखते आगे क्या दिखता है। गाइज आई थिंक हम कहाँ आ गए मुझे पता नहीं, शायद एग्जिट आ गया है पता नहीं। और ये देखिए तो अब यहाँ से ही घुमा है ना, हाँ यहाँ से घुमा है सही है। ये दूसरा है, ये दूसरा गेट है, इधर से भी है ना एंट्रेंस, लेकिन इधर कोई है ही नहीं, मतलब नहीं होना तो चाहिए पता नहीं। तो गाइज ये एक और एंट्रेंस हमें दिखा है, हाँ यहाँ पे कोई टिकट विकेट का सिस्टम मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ यार गाइस यहाँ पे लिखा है स्मृति वन में फोटोग्राफी ये सब करना मना है, मैंने तो पूरी कर ली, अब मैं क्या करूँ। तो गाइस ये आराम करते हुए और अपने पैरों को आराम देते हुए और अब थोड़ा आराम मैं भी देना चाहूँगा अपने पैरों को, तो बैठते हैं। तो गाइस स्मृति वन वैसे है बहुत बड़ा, बट एक्चुअली हम वॉकवे के थ्रू गेट पे आ गए हैं, और जितना भी था अच्छा था, फोटोग्राफी हमने की है, और आप आए तो आप इसको पूरा 108 एकड़ से घूमना और हमें बताना कैसा लगा। गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी टाइप की फार्मिंग कर रखी है, अलग अलग वेजिटेबल्स लगा रखे, आई थिंक सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइज हमने अभी अभी कार देखी तो हमें मन हुआ हम भी उनके साथ बैठ जाए और घूम ले, बट ऐसा हो नहीं सका। कंडीशनर और लगाया था। गाइज ये पैरेट दिखे आपको, मुझे तो दिखे, पैरेट उड़ते हुए दिखेंगे। वॉक वे तो पैरेट लेट भी सकते फिर। तो गाइस चलते चलो जब तक मंजिल नहीं आती जब तक एग्जिट गेट नहीं दिखता है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। एग्जिट गेट तक तो हमें पहुंचना ही है, इसलिए हम चले जा रहे हैं और चलते ही जाएंगे। ये देखिए चारों तरफ बहुत ही अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स है, ट्रीज है, हाँ ये लोटस का ही, हाँ सही है, बट लोटस एक भी नहीं है, उसके लिए और थोड़ा कीचड़ चाहिए। वो वंस अपॉन अ टाइम कभी रहे होंगे। और ये गाइस इस एरिया में सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, औषधीय पौधे, और ये सारे के बारे में लिखा हुआ है कौन से हैं। इस एरिया में सारे मेडिसिनल प्लांट है, वो कहते हैं ना जड़ी बूटी यहाँ से निकलती है इन्हीं प्लांट्स में से, और यहाँ पे छींक मारने की कोई जरूरत नहीं थी। वो देखिए गाइस मोर बहुत ही तेजी से और गति से दूर गया हमसे। मोर आजा भाई, ये तो इन कर रहे हैं। तो गाइस ये स्मृति वन बहुत ही प्रॉपर वन है, क्योंकि यहाँ पे वन के अलावा कुछ है ही नहीं है। और ये देखिए बोर्ड्स कितने अच्छा लगाए हुए हैं, स्मृति वन में खेलना मना है। अब भाई खेलना है तो हम गार्डन में जाके खेलेंगे यार, यहाँ इतना वन में क्यों आएंगे, टिकट दे के खेलेंगे। सही बात है, दिन में तो नहीं आते, दिन में तो नहीं, रात में तो यार उदयपुर के रोडों पे आते हैं जी, बिल्कुल। गाइस ये देखिए हमें चलते ही जाना है और कुछ है ही नहीं। तो गाइस ये है डमा बेल टाइलोफोरा
एस्टमेटिका वाला प्लांट। अब इनका फिर से मन हो गया है फोटोग्राफी करने का। डाली पे चारों एक साथ नहीं बैठेंगे, पता पड़ा डाली को इंजरी हो गई। तो गाइस नेचर के साथ फोटोग्राफी होती हुई और हमारा ब्लॉग तो चलते ही रहेगा जब तक हम एग्जिट गेट नहीं देख लेते, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ उनके लिए जो यहाँ तक नहीं आ सके। आराम से भाई, सावधान रहे, सतर्क रहे। तभी तो मैंने पहले ही बोल दिया रॉन्ग टर्न। तो गाइस जैसे कि मैं कह रहा था, मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ उनके लिए जो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ नहीं आ सके या फिर नहीं जाए, तो एटलीस्ट वो घर बैठे बैठे वीडियो के थ्रू देख सकते कैसा है। गाइस ये वाले हैं मिराबेलेस जलपा, 4 o'clock नाम है इस फ्लावर का, बट फ्लावर हमें सिर्फ फोटो में दिख रहा है, रियल में अभी तक नहीं दिख रहा है। कोई सीजनल होगा ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। वो बॉनफायर लगा के, बॉनफायर लगा के बैठ जाओ गाइस। ये पैरेट हमें इस फोटो में ही दिखे हैं सारे जितने भी देखे हैं, रियल में सिर्फ हमें मोर दिखा है। बस एक मोर ही है जिसने हमारे थोड़ा सा हमें ऐसा बताया कि हम कहीं आए हैं। आप 5 बजे बाद रुकिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन इतना कुछ हमें देखना भी नहीं है। तो गाइस एक चीज तो माननी पड़ेगी, नेचर फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और वाइल्ड लाइफ पार्क ज़रूर है, बट वाइल्ड इतना कुछ नहीं था। नॉर्मल प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के प्लांट है, प्लांट एरिया, प्लांट एरिया, मेडिसिन प्लांट एरिया, सारे ट्रीज प्लांट, हर टाइप का आपको ट्री प्लांट यहाँ पे। बस यही कहूँगा एक बार आना तो बनता है, स्मृति वन है, वन है तो वन से तो प्यार करना ही है, क्योंकि हम एफॉरेस्टेशन के साथ है, डिफॉरेस्टेशन के साथ नहीं है। और ये देखिए आपको पानी, ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छा चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी जो हम मानते हैं नेचर की ओरिजिनल ब्यूटी यहाँ पे हमें दिख रही है। ये देखिए ये भी किसी टाइप का प्लांट ही है। वो देखिए गाइस स्प्रिंकल सिस्टम कर रखा है यहाँ पे। ये सारे मेडिसिनल प्लांट ही है, औषधीय पौधे। गाइस ये है धनवंतरी वन, लिखा हुआ है धनवंतरी, धन से तो धन ही याद आता है, धनवंतरी धतूरा। अच्छा धतूरा, अच्छा ओके, इससे क्या होता है, क्या बात है। तो बायो का स्टूडेंट होने का कुछ तो फायदा है ही है, यहाँ पे आके हो रहा है। पत्थर चट्टा प्लांट, इन प्लांट्स का नाम है पत्थर चट्टा। ये किस चीज के लिए यूज आते हैं, इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीवर डिजीज एंड किडनी स्टोन। अच्छा ये देखिए नॉलेज आपको चाहिए है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो आपको पता गूगल है थोड़ा सा अपन, और हम हमारा फोटो सेशन कर रहे हैं गाइस। ये है अपना वही बैम्बू, बांस की लकड़ी इसी से बनती है, ये बांस है और बहुत यूज आता है ये बहुत चीजों में। चलो तो गाइस हम चलते हैं हमारे वॉक वे के साथ साथ और आगे की तरफ। ना गाइस यहाँ पे बोर्ड लग रहा है, यहाँ पे आउल है। अब आउल तो नाइट में दिखेंगे, अभी तो दिखने वाले है नहीं, तब देखते हैं। आउल तो नहीं दिखे लेकिन कोई अंकल दिख गए बाइक चलाते हुए।
ऐश चले चलो चलते रहो। हाँ इधर इंडियन रोलर लिखा हुआ है, ये इधर ही जाना है। वैसे बहुत ही अच्छी स्ट्रीट है, चारों तरफ ऐसे अलग अलग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऐसे वो क्या यू शेप में आ रहे हैं सारे ट्रीज, और ऐसा लग रहा है हमारे वेलकम हो रहा है तो हम जा रहे हैं। काफी अच्छा नेचुरल व्यू है सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे। तो गाइस मैं यही बोलूंगा जो भी नेचर लवर है उसके लिए बहुत ही काफी अच्छी जगह है और उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे कोई भी आएगा वन टाइम विजिट तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग ही दिखेगा, जो प्लांट्स आपने नहीं दिखे होंगे वो दिखेंगे, और सबसे अच्छा फील बहुत अच्छा आएगा यहाँ पे चल के। तो आई थिंक हम आ चुके हैं ना। हाँ बिल्कुल एग्जिट तक आ चुके हैं, देखते हैं आगे क्या है। वैसे मैं मोड़ देख चुका है, हम आवाज़ नहीं करेंगे। हो सकता है जितना पास ले जाएंगे आप। गाइस जैसे जैसे मैं पास जा रहा हूँ मोर दूर जा रहा है मेरे से, मोर ऐसा लग रहा है मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा। अरे बट काफी होते रुक जाते हिलते नहीं ऐसे, ये पता नहीं बहुत ज्यादा। गाइस हम बार बार सोच रहे हैं कि एग्जिट आ गया एग्जिट आ गया, बट एग्जिट नहीं आ रहा है, वन बढ़ते ही जा रहा है, वन के साथ साथ थकान भी। तो आज हमारा शाम का जो वॉक है वो थोड़ा कम होगा ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक अब शायद हम प्रॉपर एग्जिट पे आ चुके हैं, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये अब कट निकल रहा है। तो गाइस यहाँ पे है इजरायली बबूल। तो गाइस हमने काफ़ी अच्छा फोटो सेशन किया है अभी, अब आई थिंक हम एग्जिट की तरफ जा रहे थे, बट एक और हमें रास्ता दिखा था। गाइस अभी हमें मोर दिखा, वो भी पंख खुले हुए हैं। थोड़े से ही थे थोड़े से, लेकिन वही लग रहा था। वैसे देखते हैं इस साइड में हमें क्या दिखता है। और गाइस इससे डरते हुए कि ये शायद हमारे साइड में भी अटैक कर ले, बट नहीं किया। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे बदबू आई, ठीक है। हाँ वही वही वाली वैसे हम इधर भी चले जा रहे हैं, इधर भी हमें वही पिक्चर्स दिख रहे हैं, बट
ओरिजिनल में कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ इस साइड में हम कितने आगे तक जाते हैं, फिर वापस अपने यू टर्न मारेंगे। तो जंगल तो पिछले एक घंटे से जंगल ही देख रहे हैं। हाँ ये बात तो सही की, यही बढ़िया वो लगाया लकड़ी वाला स्टोव जो होता है, बने ही दाल बाटी यहीं पे। हाँ वहाँ साथ में ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, सही ले लो साथ में। तो गाइस ये हम जहाँ से आए थे वहीं वापस जा रहे हैं, और वन था, प्रॉपर वन था यहाँ पे, वन के अलावा इतना कुछ नहीं था, बट हाँ वन था, बहुत ही अच्छा वन था, जो भी था वन ही वन था, बस मुझे वन ही याद आ रहा है बस, क्योंकि इतना वन देख लिया एक साथ अब शायद कभी वन नहीं भूलेंगे हम तो हम ये आ गए हैं वापस एग्जिट गेट पे। बस यही था स्मृति वन, बहुत सारे प्लांट्स है अलग अलग टाइप के, जिसको इंटरेस्ट हो इनको पूरा अच्छे से देख सकता है। हम घूमने के, क्योंकि हम आए थे घूमने के हिसाब से, तो हमने एक बार विजिट कर लिया और काफ़ी अच्छा है, एक बार आने लायक है, एक बार तो आपको आना ही चाहिए यहाँ पे। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप ज़रूर आइए यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक और कुछ म्यूज़ियम टाइप देखा है, तो अंदर थोड़ा सा चलते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है, अब देखते हैं क्या है। हाँ बंद है, बंद है, मुझे लग रहा है यही होगा। वह छोड़ो ना, सोना तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना आपने। गाइस बस ये यही है, यहाँ पे फोटो सेशन हो जाएगा। गाइस होप करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा, और अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए, और सपोर्ट करते रहिए। तब तक लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग, और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, और बस बाय।